नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आज हम इसकी सेकंड लास्ट क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये हमारी 19वीं क्लास है लास्ट वीडियो में हमने नौसेना विद्रोह तक कवर कर लिया था नाइनटीन के आज वहीं से आगे चलेंगे और आज के वीडियो में हम कैबिनेट मिशन के बारे में सारी बातों को देखेंगे संविधान सभा कैसे हुई कब उसके चुनाव हुए क्या क्या पूरा प्रोसेस था उसको कवर करेंगे और फिर भारत की पहली अंतरिम सरकार के बारे में जानेंगे अगर आपने इस सीरीज़ की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन आया था 1946 में देखिए फरवरी 1946 में आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात करी नौसेना विद्रोह के बारे में जब वो विद्रोह चल रहा था उसी दौरान 19 फरवरी 1946 को जो वहां का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली ये घोषित करता है कि एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा क्यों भेजा जाएगा जो भारत में राजनीतिक और सांप्रदायिक गतिरोध चल रहा है उसको शांत करने के लिए तो एक कैबिनेट मिशन भारत भेजने को यहां पर वहां का प्रधानमंत्री तैयार हुआ तीन सदस्य ये कैबिनेट मिशन था कैबिनेट मिशन इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि तीनों जो इसके अंदर सदस्य थे वो वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ठीक है इसमें कौन कौन शामिल थे पैथिक लॉरेंस इसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें शामिल था और ए बी अलेक्जेंडर यह ब्रिटेन का उस समय नौसेना मंत्री था तो क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया 1946 में किसने किया प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया इसमें कितने सदस्य थे इसमें तीन सदस्य थे उन तीनों के नाम आपने देखे और नेतृत्व कर रहा था पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को फरवरी में इसके गठन की घोषणा होती है 24 मार्च 1946 को ये तीनों दिल्ली पहुंचते हैं यानी ये भारत आते हैं इसके बाद ये अपने प्रस्तावों को रखते हैं 16 मई 1946 को तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जैसा आप जानते हैं हम इस सीरीज में सभी घटनाक्रम को बिल्कुल टू द पॉइंट और सिक्वेंस में कवर करते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम याद रहे रटने की आवश्यकता ना पड़े तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च में आया मई में ये अपने प्रस्तावों को रखता है जब यह भारत आया उसके बाद शिमला में बैठक करता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ पांच से लेकर ग्यारह मई के बीच में लेकिन सर्वसम्मति वहां पर बन नहीं पाती तो सोलह मई को यह अपने प्रस्ताव सामने रख देता है अब क्या क्या बातें कही गई थी इसके प्रस्ताव में और किन किन को लेकर विवाद था उनको देखिए इसके प्रस्तावों को लेकर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ठीक है पहली बात कैबिनेट मिशन ने कही कि पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया जाए तो कैबिनेट मिशन ने अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था इस चीज को ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, ठीक है ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को शामिल किया जाएगा यानी एक भारतीय संघ यहां पर बनेगा और इसमें प्रांतों और जो देसी रियासत है उन सबको को शामिल किया जाएगा उस समय का जो भारत था उसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों आपके शामिल थे यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था कुछ ऐसे जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे अगर हम नंबर में बात करें तो कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे चार कमिश्नरी क्षेत्र थे ये भी अंग्रेजों के ही शासन में होते थे और पांच देसी रियासतें थी इन सबको मिलकर एक भारतीय संघ का यहाँ पर गठन होना था इसी को लेकर एक और क्वेश्चन यहीं पर याद कर लीजिए जैसा हमने कहा कि उस समय ब्रिटिश प्रांत थे और कितने प्रांत थे, थे। था। था बंबई मद्रास संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बिहार और उड़ीसा शामिल ये छह प्रांत आपके शामिल थे इसके बाद समूह ब था जिसमें आपके पंजाब सिंध उत्तरी पश्चिमी प्रांत ये तीन प्रांत शामिल थे और फिर आपका समूह साथ था जिसमें बंगाल और असम आपके शामिल थे अब देखिए नाम इनके कुछ भी आपको दिए गए हैं कहीं पर क दिया है कहीं पर अ ब स दिया है इस तरीके से तो आप एग्जैक्ट नाम में ना जाएं, बस इतना ध्यान रखें इन ग्यारह प्रांतों को तीन भागों में बांटा गया था अब क्यों बांटा गया था उसके पीछे का एक लॉजिक था जो आपके पहला वाला ग्रुप था इसमें उन राज्यों को रखा गया जहां पर हिंदू बहुल है दूसरे आपके मुस्लिम बहुल वाले इलाके थे ठीक है इनको इस तरीके से कैटेगरी वाइज कर दिया गया और यह इसलिए किया गया था ताकि मुस्लिम लीग को शांत किया जा सके क्योंकि अलग देश की मांग को तो खत्म कर दिया था मुस्लिम लीग को चाहिए था अपना संविधान और मुस्लिम बहुल इलाकों का शासन इन प्रांतों में यह व्यवस्था करी गई अंग्रेजों के द्वारा कि तीन ग्रुप में इनको बांटा जाएगा और हर ग्रुप का यानी इस ग्रुप का अलग संविधान होगा इस ग्रुप का अलग संविधान होगा इस तरीके से ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था प्रांतों को बांट दिया था तीन वर्गों में हर वर्ग का अलग संविधान होना था ठीक है प्रांतों का यह विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए ही किया गया था इसीलिए मैंने आपको इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया ठीक है इसके बाद तीसरी बात कही गई संघ और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा यानी जो संघ होगा जो केंद्रीय सरकार होगी वो विदेश प्रतिरक्षा और संचार की शक्तियां उसके पास होंगी बाकी सारी शक्तियों का अधिकार किसको होगा प्रांतों को दिया जाएगा चौथी बात कही गई अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और पांचवी बात कही गई संविधान सभा को गठित करने का यहां पर व्यवस्था करी जाएगी कैबिनेट मिशन जो मुख्यतः भारत आया था दो बातों के लिए भारत आया था अंतरिम सरकार बनाने के लिए संविधान सभा बनाने के लिए ठीक है बाकी इसकी यहां पर और आपने प्रावधान देखे इस चीज को खास याद करना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था ठीक है संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा ये इसमें कहा गया था हर प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा यानी संविधान सभा बनेगी और किस प्रांत के कितने सदस्य होंगे वो सारे जनसंख्या पर निर्भर करेगा अब ये जो प्रस्ताव थे कैबिनेट मिशन के मैंने आपको एक एक प्रस्ताव को बता दिया इन प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपत्ति हुई कुछ कुछ प्रस्तावों में सबसे पहले मुस्लिम लीग को आपत्ति क्या थी जो पहला पॉइंट था पाकिस्तान की मांग को इसमें ठुकरा दिया गया था इनको शांत करने के लिए अलग अलग वर्गों में बांटा गया था प्रांतों को कहा था कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां का तो अलग ही संविधान होगा ताकि मुस्लिम लीग शांत हो जाए हालांकि काम नहीं करा और मुस्लिम लीग को इस बात पर आपत्ति थी कि आपने अलग पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया कांग्रेस को भी यहां पर आपत्ति थी यहां पर कांग्रेस को राष्ट्रीय सरकार के गठन को लेकर आपत्ति थी जो प्रस्ताव था राष्ट्रीय सरकार जो बननी थी अंतरिम सरकार उसमें मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था यानी उनको जरूरत से ज्यादा यहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया था तो दोनों को यहां पर आपत्ति थी अब देखिए आपत्ति दोनों को है इसके बावजूद कैबिनेट मिशन लागू होता है और संविधान सभा इसी के आधार पर बनती है क्यों बनती है देखिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से कहा कि आपको जो ठीक लगे उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए बाकी चीजों को छोड़ दीजिए तो बाकी के जो प्रावधान थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया जैसे संविधान सभा का गठन करना इस तरीके से ठीक है शक्तियों का बंटवारा उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया कैबिनेट मिशन के बारे में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था इस योजना में ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत की भूमि यातना से मुक्त हो सकती है तो स्टेटमेंट किसने कहा और किसके बारे में कहा कैबिनेट मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा अब संविधान सभा बनाने के लिए दोनों तैयार थे कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी अब इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट्रे उनको देखेंगे संविधान सभा की जो पहली मांग करी गई थी वो लोकमान्य तिलक के द्वारा अठारह में करी गई थी ठीक है बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा का गठन करने का जो विचार आया था सबसे पहले वो एम एन रॉय का था इस चीज को याद करना संविधान गठित करने की मांग करी थी सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने और संविधान सभा गठित करने की मांग एम एन रॉय ने करी थी 1934 में कांग्रेस ने संविधान की मांग सबसे पहले 1935 में करी थी ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे संविधान सभा के गठन का आधार क्या था तो भारत की जो संविधान सभा बनी उसके गठन का आधार कैबिनेट मिशन था जैसा हमने ऊपर बात करी इसके तहत संविधान सभा में टोटल तीन सदस्यों को चुना जाना था इसमें 389 में से 93 सदस्य तो ऐसे थे जो देशी रियासत के द्वारा मनोनीत होने थे बाकी आपके ब्रिटिश प्रांत से दो सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्रों से चार सदस्य चुनकर आने थे यानी टोटल दो जो आपकी सीटें थी इनके ऊपर चुनाव होने थे ये जो चार यहां पर कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र थे हो सकता है पूछ ले अभी तक नहीं आया है सिर्फ आया है कितनी सीटें थी तो टोटल तीन सौ ब्रिटिश प्रांतों में इतनी कमिश्नरी क्षेत्रों में चार और देशी रियासतों में तिरानवे कमिश्नरी क्षेत्र यानी आज के जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस प्रकार के आप मान लीजिए तो चार उस समय कमिश्नरी क्षेत्र थे जिसमें आपकी एक दिल्ली शामिल थी एक आपका कुर्ग था एक आपका बलूचिस्तान और एक आपका अजमेर मारवाड़ ये चार कमिश्नरी क्षेत्र थे तो दो सीटों पर चुनाव होने थे ठीक है सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था दस लाख की आबादी पर एक सदस्य यहां पर होना था ठीक है टोटल सदस्य थ्री थी नाइन थे चुनाव दो सौ छियानवे पर होना था संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए अब जून में दोनों ने स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग ने भी तो जुलाई में अगले महीने चुनाव हो गए संविधान सभा के लिए चुनाव हुए नतीजे आ गए दो में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली और बाकी जो छोटे छोटे दल थे कुछ निर्दलीय उन्होंने 15 सीटें जीत ली अब मुस्लिम लीग को ऐसे रिजल्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उनको लगा कांग्रेस ज्यादा जीतेगी लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा इसलिए वो संविधान सभा के लिए तैयार हुई थी चुनाव के लिए तैयार हुई थी अब जब ये रिजल्ट सामने आ गया कांग्रेस को यहां पर बहुत बड़ी जीत मिल गई मुस्लिम लीग इस परिणाम से पूरी तरीके से असंतुष्ट हो गई उसने इसको मानने से खारिज कर दिया कैबिनेट मिशन को भी अब अस्वीकार कर दिया कि हम इसको नहीं मानते इस चीज को ध्यान रखना परिणाम आने के बाद मुस्लिम लीग को काफी ज्यादा असंतुष्टि यहां पर हो गई मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया स्वतंत्रता पूर्ण संपन्न पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन की घोषणा उन्होंने कर दी यानी कि अब हमको सिर्फ पाकिस्तान चाहिए ये इन्होंने कहना कर दिया कहना शुरू कर दिया और डायरेक्ट एक्शन करने की बात शुरू कर दी जिन्ना के नेतृत्व में अलग देश और अलग संविधान सभा उसने कहा अब हमें इनकी संविधान सभा में जाना ही नहीं है हमें हमारी ही संविधान सभा बनाकर दीजिए और सीधी कार्यवाही की धमकी दे दी गई 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा देखिए पूरा घटनाक्रम है अगर आपने एक बार पूरे घटनाक्रम को समझ लिया कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको फिर कभी प्रश्न रटने नहीं पड़ेंगे अब आपको कैबिनेट मिशन याद हो गया जिसमें मुस्लिम लीग को शांत करने के लिए प्रांतों को तीन वर्गों में बांटा था रिजल्ट आया मुस्लिम लीग यहां पर रिजल्ट को खारिज कर देती है और डायरेक्ट एक्शन की बात करती है और डायरेक्ट एक्शन डे मनाती है 16 अगस्त 1946 को इसमें डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये था कि हर जगह जगहों पर सांप्रदायिक दंगे किए जाएंगे और अलग पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव बनाया जाएगा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल में हुआ बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां का मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरा था सबसे ज्यादा प्रभाव 16 अगस्त 1946 को जो भीषण हिंसा हुई वो बंगाल में देखने को मिला इस दिन हिंसक घटना हुई भयंकर दंगे हुए आगजनी हुई और कतलेआम यहां पर देखने को मिला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की इस सीधी कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते इसीलिए अलग पाकिस्तान बनाया जाए वो यह साबित करना चाहते थे यह उनका उद्देश्य था इस दौरान हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए महात्मा गांधी नोवा यह आपके वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा बंग, बंगाल के अंदर बंगाल में भी जो नोवा खली था यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में हिंदू रहते थे तो यहां पर हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए दंगे यहां पर होने लगे आगजनी होने लगी तो उनको बचाने के लिए महात्मा गांधी नोवा खली में चले गए क्वेश्चन आता भी है कि महात्मा गांधी कहां गए थे नोवा खली गए थे नोवा खली में गांधी के विवेक और साहस को देखकर माउंट बेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की यहां पर संज्ञा दी क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा माउंट बेटे ने कहा माउंट बेटे का स्टेटमेंट था जो काम पचास हजार सैनिक नहीं कर पाए वो गांधी ने अकेले कर दिखाया वास्तव में आप वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं इस चीज को भी ध्यान रखना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त 1946 के बारे में कहा कि भारत के इतिहास में इस तिथि को काले अक्षरों में लिखा जाएगा तो ये किसने कहा अबुल कलाम आजाद ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा माउंट बेटे ने इस चीज को ध्यान रखना यह था आपका डायरेक्ट एक्शन डे ठीक है 16 अगस्त 1946 अब संविधान सभा तो बन चुकी थी चुनाव तो हो चुके थे मुस्लिम लीग भले ही इसका विरोध कर रही थी नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की बैठक को आमंत्रित कर दिया कि आप आइए और अपनी बैठक कीजिए संविधान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए संविधान निर्माण प्रक्रिया कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अति इंपॉर्टेंट बातें उनको यहीं पर देख लेंगे बाकी इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हमारी संविधान की सीरीज आएगी ठीक है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई निमंत्रण तो मिल जाता नवंबर में 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई अध्यक्ष बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को इसके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग क्योंकि वो विरोध करती आ रही थी क्योंकि उसकी सीटें ही बहुत कम थी तो उसने इसका बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई अध्यक्ष बने यहां पर राजेंद्र प्रसाद जो कि स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के मुस्लिम लीग ने यहां पर भाग लिया और अलग संविधान की मांग कर दी कि हमको तो अलग ही संविधान चाहिए निर्णय लिया गया यहां पर कि संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा और यह पुनर्गठन भारत की आजादी के बाद किया गया था ठीक है इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को यहां पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी उन्नीस को पारित हो गया और यही उद्देश्य आगे जाकर फिर भारत की प्रस्तावना यहां पर बना संविधान में ठीक है अगस्त उन्नीस को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया जो ड्राफ्ट कमेटी थी इस कमेटी में कुल सात सदस्य थे इसी कमेटी ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इसीलिए इनको संविधान निर्माता कहा जाता है क्योंकि जो प्रारूप था वो प्रारूप समिति ने बनाया प्रारूप समिति 29 अगस्त उन्नीस को बनी ठीक है इसके बाद पूरा प्रोसेस चला अलग अलग समितियां बनी थी अलग अलग उनके अध्यक्ष थे तो उनको ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, संविधान नहीं पढ़ रहे हैं आप केवल घटनाक्रम को याद करें संविधान वाली क्लास में आपका ए टू जेड सारे तथ्यों को कवर करेंगे इसके बाद संविधान जो बनना शुरू हुआ संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को ठीक है हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और इसे अपना लिया गया 1949 26 नवंबर को इसीलिए आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी को होती है 1950 में इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं क्वेश्चन आता है आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए क्या भारत की जनता ने चुना क्या वॉयस रॉय ने चुना तो आप कहेंगे संविधान सभा ने चुना ठीक है और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है तो यह संविधान निर्माण प्रक्रिया क्योंकि हमने कैबिनेट मिशन देखा उसी के आधार पे संविधान सभा बनी और फिर संविधान सभा ने जो जो काम किए हमने उनको एक हाईलाइट के रूप में यहां पर देखा संविधान निर्माण से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जैसे संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे संविधान सभा के बी एन राव थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे संविधान को किसने लिखा जो संविधान की मूल प्रति है उसे अपने हाथों से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण राय सादा ने संविधान सभा का प्रतीक क्या था यानी इनकी मोहर क्या थी हाथी थी ठीक है संविधान निर्माण में कितना समय लगा था दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन का समय लगा था संविधान बनने में तो ये आपकी पूरी संविधान सभा का घटनाक्रम और उसने क्या काम किया कब तक हुआ उसको हमने देखा अब वापस आते हैं 1946 में 1946 में जैसे मैंने आपको कहा कैबिनेट मिशन दो बातों के लिए आया था पहली बात थी संविधान सभा को गठित करना वो उसने कर दिया पूरी प्रोसेस हमने देख ली दूसरी बात थी अंतरिम सरकार का गठन करना ठीक है अब चुनाव हो चुके थे कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी 22 जुलाई को वाइसरॉय वेवेल ने अंतरिम सरकार से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस और लीग के सामने रख दिया साहिट सी बात थी कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी तो उनके ज्यादा यहां पर सदस्य होने थे मुस्लिम लीग ने इसको मानने से मना कर दिया प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ब्रिटिश सरकार ने कहा अगर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में भाग नहीं लेना चाहती तो हम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार गठन करने जा रहे यानी अंग्रेजों ने कहा आप भाग लो ना लो हमें फर्क नहीं पड़ता हम सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई जुलाई में प्रस्ताव आया था कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया मुस्लिम लीग नहीं मानी तो मुस्लिम लीग के लिए कह दिया गया कि अगर आपको शामिल होना है तो हो ये, नहीं होना है तो हम तो गठन करने ही वाले हैं 24 अगस्त को घोषणा कर दी गई कि नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को और इस अंतरिम सरकार में कुल 12 सदस्यों ने मंत्री पद की यहां पर शपथ ले ली तो भारत का जो पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था 1946 में जो बना कितने सदस्य थे जब 2 सितंबर को बना 12 सदस्य इन 12 सदस्यों में तीन सदस्य मुसलमान थे और ये तीनों मुस्लिम लीग के नहीं थे कांग्रेस से ही संबंधित थे अलग अलग दलों से संबंधित थे ठीक है अब मुस्लिम लीग शामिल तो नहीं हुई शुरुआत में दो सितंबर को सरकार बन गई मुस्लिम लीग बाद में जाकर शामिल हुई 26 अक्टूबर को और मुस्लिम लीग के पांच सदस्य इसमें शामिल हुए अब पांच सदस्य थे मुस्लिम लीग के थे तो पांचों मुस्लिम होने थे तो ये जो तीन मुस्लिम पहले शामिल किए गए थे इन्होंने अपना इनको त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि तो फिर जो प्रतिनिधित्व था वो मुस्लिमों का यहां पर ज्यादा हो जाता इन तीन ने त्यागपत्र दे दिया और ये पांच इसमें शामिल हो गए तो इन तीन के त्यागपत्र देने के बाद ये जो बारह था कितना हो गया अब नौ हो गए और इन नौ के साथ ये पांच शामिल हो गए तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे कुल चौदह सदस्य थे इसको ध्यान रखेंगे शुरुआत में बारह और मुस्लिम लीग के आने के बाद चौदह तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि घोषणा कब करी गई सरकार की सरकार बनी कब और मुस्लिम लीग इसमें कब शामिल हुई अब मंत्रिमंडल को देखते हैं क्योंकि भारत का यह पहला अंतरिम मंत्रिमंडल था जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए क्योंकि आप जानते हैं कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा वाइस रॉय और कहा गया था वाइस रॉय के अलावा सारे भारतीय होंगे तो कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे साथ में विदेश मामले यानी विदेश मंत्री मंत भी कौन जवाह थे जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रमंडल से संबंधित विभाग के मंत्री भी कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे सरदार पटेल जो थे इनको गृह विभाग दिया गया यानी गृह मंत्री थे सूचना और प्रसारण मंत्री भी भारत के यही थे अंतरिम सरकार में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन किस विभाग का नेता था ठीक है रियासतों से संबंधित जो मामले होते थे वो भी सरदार पटेल देखते थे फिर थे बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बने थे भारत के ठीक है जॉन मथाई इनको उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया सी राजगोपालचार्य ये शिक्षा विभाग बने यानी शिक्षा मंत्री बने सी एच भाबा ये कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि विभाग बने बहुत बार आता है अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बनेगा ये राष्ट्रपति बन जाते हैं ठीक है आसफ अली ये रेल विभाग के मंत्री बने यानी रेल मंत्री बने जगजीवन राम इनको श्रम विभाग का मंत्री बनाया गया ये थे नौ वो सदस्य जो आपके कांग्रेस के थे इसके बाद पांच सदस्य मुस्लिम लीग के भी थे उनको कौन कौन से विभाग दिए गए और कौन कौन मंत्री थे वो पूछे जाते हैं कि अंतरिम सरकार में इनमें से कौन मुस्लिम लीग का मंत्री था तो मुस्लिम लीग से पांच थे पहला लियाकत अली इसे वित्त मंत्री बनाया गया दूसरा आई आई चुंदरीगर इसको वाणिज्य मंत्री बनाया गया अब्दुल रब निस्तार इसे डाक एवं वायु मंत्री बनाया गया जोगेंद्र नाथ मंडल काफी इंपॉर्टेंट है इसे विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बनाया गया था और जब भारत आजाद हुआ आजाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकिन अंतरिम सरकार में वे शामिल नहीं थे जोगेंद्र नाथ मंडल यहां पर विधि विभाग संभाल रहा था और पांचवा मंत्री था गजाफर अली खान जो कि हेल्थ मिनिस्टर बना था तो ये आपके मुस्लिम लीग के मंत्री ये आपके कांग्रेस के मंत्री कुल मिलाकर भारत का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल हमने यहां पर देखा तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 19वीं क्लास आज के वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन को देखा प्रांतों के वर्गीकरण को देखा डायरेक्ट कार्यवाही दिवस को देखा नोवाखुली का घटनाक्रम देखा संविधान सभा उसके प्रोसेस को देखा और फिर मंत्रिमंडल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं कि कब घोषित हुआ कब बना कब मुस्लिम लीग शामिल हुई कौन कौन सा मंत्री था उन सारे तथ्यों को हमने यहां पर एक कहानी के तौर पर सभी फैक्ट्स को कवर किया और बिल्कुल टू द पॉइंट्स इनको हमने देखा उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंड्स